हेलो जी, यस सर। सर वो मैं बस 5 मिनट लेट थी सर, बस 5 मिनट। यस सर जी, अच्छा यस सर, मैं अभी आती हूँ सर। माफ कीजिएगा, क्या क्या नहीं साहब का डायरेक्ट, माफ कीजिएगा, मेरे पहले दिन है ना ऑफिस में, इसलिए थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ। कल जब वो इंटरव्यू ले रहे थे तो उन्होंने मुझे नाम बताया था, कह रहे थे कि वो इस कंपनी के डायरेक्टर हैं। जी, उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया था। क्या नाम है आपका? सफदर, सफदर अली। सफदर अली। आपकी तारीफ सफिया, सफिया अजीम। सफी, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। अगर इसे आप कर दें तो मैं आपको आपके काम के बारे में बता दूं। जी माफ कीजिएगा, दरअसल मैं देर से पहुंचा हूँ। बात दरअसल ये हुई थी कि मैं गलत रूट की बस में सवार हो गया था, और मैं आमतौर पर वक्त के बारे में बहुत ख्याल कोई बात नहीं, आज आपका पहला दिन है इसलिए ठीक है। टोरंटो साहब जी ने वक्त मांगी, बहुत सख्त पाबंदी है, और आप जिस डिपार्टमेंट में काम करेंगे ना वही रहेंगे, और मैं अपने डिपार्टमेंट में वक्त की पाबंदी का बहुत ख्याल रखूंगा। आप ये ध्यान रखिए, फिर आज के बारे में तो मैं संभाल लूंगी। शुक्रिया, मैं आपको बहुत एहसानमंद हूँ। इसमें एहसानमंद होने की कोई बात नहीं है, दरअसल किसी भी इंचार्ज को अपने आदमी की छोटी मोटी गलतियों को निभानी ही पड़ती है ना। वैसे सत्य साहब, मैं इस डिपार्टमेंट की इंचार्ज नहीं बनना चाहती थी, वैसे मुझसे ना सख्ती नहीं बची किसी पर भी। जी आप अपने नए जैसे कैबिनेट में रखें, इस तरह खाने की ताजगी जो है बरकरार रहेगी। जी मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मुझे इस पर मैं मुलाजमत मिल गई। दरअसल देखो ना, कंपनी में आमतौर पर औकात कार की पाबंदी का ख्याल नहीं किया जाता। बाज़ दफ़ा तो 9 और 10 10 बजाते, मैं शाम को कॉलेज जाता हूँ, अब अगर मैं इस किस्म की किसी कंपनी में मुलाजिम हो जाता तो फिर मेरी पढ़ाई का क्या बनेगा। आपको ज्यादा चोट तो नहीं? नहीं आप बहुत ही दाहिनी, नहीं तो नहीं, आप क्या पढ़ रहे? टूटी जी। दो साल के बाद मैं पूरा वकील हो जाऊंगा, सिर्फ 2 साल के बाद। अच्छा, तो इस तरह तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी ना। मेरा मतलब है कि सुबह दफ्तर, रात को कॉलेज। जी मैम, ये तो है। देखिए ना, देखिए, वो कहते हैं ना कि मैं कभी मीठा होता, अगर मैं 2 साल के बाद वकील बन जाऊंगा तो मुझे ये सोचकर कितनी खुशी होगी कि मैंने बगैर किसी का एहसान लिए, बगैर किसी के सामने हाथ फैलाए ही अपनी मंजिल पा ली है, अपनी मेहनत और मशक्कत से अपनी जिंदगी बनाई है। हाँ, जी ये तो है। वो शहर में मेरे एक अंकल हैं, बहुत मशहूर कानूनदान हैं शहर के, फरीद अली। आप किसी से भी, किसी राजा से नाम पूछ लें उनका, फरीद अली, वो आपको बता देगा कि क्या चीज़ है। अगर मैं यहाँ जमीन पर आया करे तो सिर्फ एक टेलीफोन करने की देर है, मेरी सारी मुश्किल आसान हो जाएंगी, लेकिन ये अहमियत गवारा नहीं करती। मैं मरता मर जाऊंगा लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। आपके आपके ख्याल बहुत आला है। जी मेरे
मेरे रिश्ते के एक भाई थे जी, वो मेडिकल में पढ़ रहे थे। वालिद साहब उनका तमाम खर्चा बर्दाश्त करते थे, एक धेले का वो काम नहीं करते थे, बस सारा दिन सैर सपाटा हुआ कॉलेज। पता है क्या हुआ, मेरी चाची जान ने दूसरी शादी कर ली। चाची ने मेरे उन कजन का तमाम पॉकेट मनी जो था ना वो बंद करा दिया। बेचारा बिल्कुल तबाह होकर रह गया। कहते हैं ना कि किरदार का तो कोई बदल नहीं होता। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, मैं भी हमेशा वही बात कहती हूँ। अरे बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि अब काम शुरू करना चाहिए ना। मैंने डायरेक्टर साहब को ना मुबारक हो जाता है। दरअसल आजकल ना हमारे हमारे दफ्तर में ना एक प्रमोशन कैंपेन लगी हुई है, शायद इसीलिए उन्होंने आपको मुलाजिम रखा। और अच्छा खैर, ये जो लिफाफे हैं ना, इन पर आपको नाम और पते टाइप करने हैं। वैसे जो है मैं टाइप कर दूंगी, ठीक है? आप सिर्फ नाम और पते टाइप करिएगा, बहुत एहतियात से इस डायरेक्टरी से निकाल कर, ठीक है? देखिएगा बहुत एहतियात से टाइप कीजिएगा, कहीं कोई कोई नाम जो है ना वो छूट ना जाए, इसलिए कि कभी कभी डायरेक्टर साहब चेकिंग करने के लिए बैठ जाते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सीले हैं। मैंने ए से टाइप करना शुरू किया था, आप बी से शुरू कर दें, ठीक है? मैसेज है, ये तो मैं टाइप कर लूंगी, आप सिर्फ नाम और पते टाइप कर लें। इस तरह एक तो काम हो जाएगा। ये काम इतना ज्यादा मुश्किल तो नहीं है? नहीं, जरा भी नहीं। थोड़ी देर के बाद तो आप बगैर सोचे समझे टाइप करना शुरू कर देंगे। जी देख लिया ना तो बहुत नाराज होंगे। शुरू में ना आप आहिस्ता आहिस्ता टाइप करें, ठीक है? जी। अच्छा आप अपनी थोड़ी सी ऐसे पीछे होके बैठे, कमर जरा सी आप सीधी करें ऐसे। अब आप टाइप करना शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता टाइप कीजिएगा। ऐसे इधर उधर नहीं देखना है, नजर जो है ना वो मटेरियल पे रखनी है। मैं आपकी मदद और हमदर्दी के लिए आपको बहुत मशकूर हूँ। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है सत्तर साहब। ये साहब आप क्या होता है? सिर्फ सत्तर के लिए सफिया साहब। सफिया सफ्तर, मेरा ख्याल है कि डायरेक्टर साहब बुला रहे हैं, लेकिन इतनी सुबह कभी बुलाते तो नहीं, पता नहीं आज क्या बात है। खुदा खैर करे। आप पता है क्या, आप अपना काम जरूर जारी रखें, अगर उन्हें टाइपराइटर चलने की आवाज नहीं है ना तो बहुत उनका मूड ऑफ हो जाता है। जो हो शायद इसीलिए उन्होंने मुझे बुलाया, जब तक हमने काम शुरू नहीं किया। अब बहरहाल मैं आप फिक्र ना करें, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। शुक्रिया की क्या बात है सफदर। क्या समझता है अपने आप को?
सुबह से मेरी जान के पीछे पड़ा हूँ। जिसके साथ शराब करो वही हर तरह चला जाता है। करियर तलाश के दूसरी टाइपिस्ट, मैं भरपाई ऐसी नौकरी से जा रही हूँ बस। लेकिन आखिर हुआ क्या? सिर्फ 5 मिनट लेट होने पर इस तरह चीख पड़ा जिसे कयामत आ गई हो। सुबह आप भी लेट थी। दर्शक सब साहब इसमें हंसने की कोई बात नहीं। जिस तरह मैंने इस कंपनी के लिए अपना खून पसीना एक कहना वो मैं ही जानती हूँ। हर वक्त इसी गुलदस्ते में लगे रहना कि काम को किस तरह बेहतर से बेहतर बनाया जाए। उसके बाद मेरा भी कोई हक बनता है कि नहीं? कहाँ गया मेरा चाबियों का गुच्छा? कहाँ गया? अच्छा एक बात कहूँ, शेखर आप बुरा ना माने तो मेरा ख्याल है बहुत गुस्से में। अगर आप आराम से बैठ जाए, ठंडे दिल से गौर कर लें, जरा सोच लें। बस मैंने फैसला कर लिया। जब मैं फैसला करूँ तो मैं उसको बदलती नहीं। वो तो ठीक है। मैं भी किसी ऐसी फर्म के साथ कोई ताल्लुक अपना पसंद नहीं करती जहाँ पे मुलाजमी वो भी सीनियर मुलाजमी के साथ ये सलूक किया जाता है, उनके जज्बात का ख्याल ना रखा। नहीं बात तो ठीक कह रही हैं आप, लेकिन बात इज ऑलवेज राइट। वैसे भी देखिए समय साहब, आजकल मुलाजमत इतनी आसानी से तो नहीं मिल जाती। जी मुझ जैसी एक्सपीरियंस लड़की के लिए ना मुलाजमत तलाश करना कोई बड़ी बात नहीं, समझे आप? मुझे तो यहाँ बैठे बैठे पता नहीं कितनी ऑफर्स आ चुकी है। वो तो मेरे जमीर ने गवारा नहीं किया सिर्फ एहसास वफादारी की वजह से, वरना तो ये बेहुदा शख्स ये नाम दिया उसने मुझे। सरे मुझे एक बात बताऊं आपको, मैं इस तरह तो आप उनके इशारों पर नाच रही हैं? नहीं इसके इशारों पर मैं नाचूंगी? देखिए ना, मतलब देखिए ये जानते बूझते कि आप एक हसास लड़की हैं, आपसे इस तरह गुफ्तगू क्यों की उन्होंने? वो चाहते हैं कि आप ये नौकरी छोड़कर चले जाएं। बिल्कुल, वरना तो ये जानते बूझते कि आप एक हसास लड़की हैं, इस तरह गुफ्तगू करना, इतने जोर जोर से चीखना, आखिर इसके क्या मानी है? अगर वो ये समझता है ना कि इस तरह मुझसे छुटकारा हासिल कर लेगा तो मरता मर जाएगा, लेकिन उसकी ये आरज़ू कभी पूरी नहीं होगी। मैं भी उस दिन रिजाइन करूंगी जिस दिन मेरा दिल जाएगा। आप देख लीजिएगा सफदर साहब, एक ना एक दिन वक्त पड़ेगा मेरे पास। सफिया साहब प्लीज ये काम जरा अर्जेंट है, ये कर दे। वो दिनों का जब कागजात मुंह पे मार के जाऊंगे। मेरे सामने कीजिए क्या सी। अच्छा सफिया पाल भाई, इसकी शादी हो गई? शादी इसकी? कौन फूटे मुकद्दर की इससे शादी करेगी? लंगूर इसकी। वो चश्मा लगाती थी ये मोटी मोटी शीशों का, दोनों आंखों का ऑपरेशन हुआ था मोती। मैं अक्सर उनका चश्मा छुपा दिया करता था सोफे के नीचे, और उसके बाद घंटों बैठा पाता रहता था इम्तिहान की तैयारी करता था। उन दिनों मैंने बहुत पढ़ा। पता सच साहब, मैं यहाँ आने से पहले ना एक इंश्योरेंस कंपनी में मुलाजिम थी। मैंने मैट्रिक करने के बाद ही ना मुलाजमत करनी शुरू कर दी थी। वहां पे जो मेरा इंचार्ज था ना, बड़ा बदतमीज आदमी था, उसे अपने हाथों पर काबू। मेरा मतलब है कि पता नहीं क्या किया उसने, मेरी कुर्सी के पीछे आके खड़ा हो गया और मुझे बताने लगा कि रिमाइंडर्स के कौन से कॉलम में क्या भरना चाहिए। बात करते करते उसने अपना एक हाथ मेरे कंधे पे रख दिया। मैंने भी घुना के लगाया एक चांटा मुंह पे उसके। मुझे यकीन है कि उसके बाद उसने आपको मुलाजमत से बर्तरफ कर दिया। उसके बाद ना रिपोर्टर सीधा हो। एक बात पूछूं मैं आपसे, अगर कोई आपसे ये कहे कि वो आपसे, मेरा मतलब है कोई अगर आपसे ये कहे कि वो आपको, कि वो आपसे जी, मेरा मतलब है कि कोई आपसे ये कहे कि वो आपको 1,00,000 रुपए देगा, लेकिन उसके बदले में आपको अपनी एक टांग कटवानी पड़ेगी, तो आप क्या करेंगे? कौन सी?
सीधी या उल्टी कोई भी, मैं 1,00,000 रुपये ले लूंगा। मैं तो कभी भी अपनी टांग ना कटूंगी, चाहूं कोई मुझे 1,00,000 रुपये दे। शहर के मजाफात में पैदा हुआ था, मेरे बचपन बहुत दुखी था, मैं, मेरा बाप, मेरी माँ, हम तीनों कच्चे पक्के मकान में रहते थे। मैं अकेला था, न कोई बहन न कोई भाई, जिस जगह हम रहते थे ना वहां रात रात भर कुत्ते भौंकते रहते थे और हमारे बिस्तरों पर चूहे कूदते रहते थे। मेरी समझ में नहीं आता था कि मेरे माँ बाप ने शादी क्यों की, दोनों में जमीन आसमान का फर्क था, एक मशरकी कहता था दूसरा मगरिब की। मेरे बाप को सिवाय नंबर सोने की या पान वाले की दुकान पर खड़े होकर सिगरेट पीने और गप मारने का कोई काम नहीं था, मेरी माँ काम करती थी। मेरी माँ बहुत खूबसूरत औरत थी, मोहल्ले की सभी औरतें कहती थी, मैं दोनों के दरमियान फंस कर रह गया था। मेरा बड़ा दिल करता था कि वो दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं, हम सब हंसते रहे बोलते रहे, लेकिन उन दोनों में से किसी को मेरी फिक्र नहीं थी। मुझे अपने सारे दुख अपने पास रखने पड़ते थे। एक रोज जब मैं स्कूल से वापस आया तो मेरी माँ चाहती थी मैं पहले का बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँ। मेरा बाप मुझे काम पर डालना चाहता था मोहल्ले के हलवाई की दुकान पर, लेकिन मेरी माँ ने लालच रखकर मुझे स्कूल में दाखिल करा दिया था। उस दिन जब मैं स्कूल से वापस आया तो मैंने देखा कि मेरी माँ राजू चचा के साथ बैठी हुई बातें कर रही है। राजू चचा मेरे बाप के रिश्तेदार थे दूर दराज के, हमारे ही रहते थे। रहते क्या थे, सिर्फ रात को सोने के लिए आते थे, दिन भर पतंगे बना बना कर बेचा करते थे। उस दिन जब मैं स्कूल से वापस आया तो मैंने देखा मेरी माँ राजू चचा के साथ बैठी हंस हंस कर बातें कर रही। मुझे अच्छा नहीं लगा, बहुत छोटा था मैं उन दिनों, यही कोई 10-11 साल का। मैं चुपके से घर के अंदर गया, मैंने बस्ता और तख्ती एक तरफ रखी और उसके बाद बाहर निकल आया। बाहर आते मुझे खैर हो गई। उस दिन मैंने तय किया कि आएंगे इसमें कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जो मेरी मर्जी के मुताबिक ना हो, किसी ऐसी जगह नहीं रहूँगा जिस जहाँ मेरा दिल में लगता हो। इतना अरसा गुजरने के बाद मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल काम है, खासकर मुझ जैसे आदमी के लिए जिसके आगे पीछे कोई ना हो, हमेशा कोई ना कोई कसर रह जाती है, शख्स आगे निकल जाता है। हमें हमें पैसे की कभी भी कोई कमी नहीं रही, उस लिहाज से हम बहुत खुशकिस्मत थे। मैं 13-14 बरस की थी जब मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। मेरी एक बड़ी बहन भी है मदिया, उसकी शादी हो चुकी है। हम दोनों को आपस में कोई बहुत ज़्यादा प्यार नहीं है। जब हम छोटे थे तो बहुत बहुत लड़ा करते थे, लेकिन बकौल अम्मी और अब्बू के गलती हमेशा मेरी होती थी। मदिया जो चाहती थी उसे मिल जाता था, जूते कपड़े खिलौने, और मुझे उसके उन कपड़े और जूतों पर गुजारा करना पड़ता था जिनसे उसका दिल भर गया था। मेरे वालिद साहब बहुत अरसे तक बीमार रहे इंतकाल से पहले। उनके पास एक अंगूठी थी, मैं उस अंगूठी से बहुत खेला करती थी, मुझे बहुत पसंद थी वो अंगूठी। मैं हमेशा उस अंगूठी को रोशनी में रख के एक आंख बंद करके देखा करती थी तो उसमें से हजारों लाखों छोटे छोटे नीले और पीले से तारे चमकते नजर आते थे। मेरे वालिद साहब कहा करते थे कि वो अंगूठी सफिया बेटी की है, लेकिन एक दिन वो खामोशी से गुजर गए और उस अंगूठी का पता है क्या हुआ? वो मेरी बहन मदिया के हाथ पर है। उसके बाद दुनिया में रह क्या जाता है? और अम्मा, उनको तो मैं दिन रात एक करके सपोर्ट करती हूँ, लेकिन अब भी वो हमेशा यही कहती हूँ कि गलती जो है वो मेरी है। Thank you.
फिल्में देखती हैं? फिल्में देखने का शौक है? नहीं, मुझे कोई ज्यादा शौक नहीं जी। मुझे भी फिल्में देखने का शौक नहीं। आप रेडियो सुनते हैं? जी नहीं, मैं सभी गाने सुबह कॉलेज मेरी बीवी बहुत शौक सुनती है रेडियो। शादी हो गई? कोई काम ढंग से नहीं कर सकता मैं। दिखाइए क्या किया है आपने। सब्र साहब, इसको इरेज कर लीजिए। हमारे यहाँ दफ्तर में मटेरियल के मामले में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाती। हमारे यहाँ दफ्तर में मटेरियल के मामले में किफायत शादी पहला सूट, समझा? मैं नाराज नहीं हूँ, मगर मैं आपकी गलतियों को छुपा छुपा के तल आ चुकी हूँ, समझे आप? एक तौरे के साथ पहले क्या कर गए, ऊपर से आप भी तशरीफ ले आए हैं। पता नहीं आदमी मुझे क्या समझता है। आप खुद समझते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यह सिला हमदर्दी का, इंसान दोस्ती का, जिसके साथ अच्छी तरह पेश आती हूँ, मेरे साथ यही सुलूक करता है। नहीं, देखिए आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं जी हाँ, गलती मेरी है, मैं ही हमेशा गलती करती हूँ। सत्य साहब, मैं यहाँ तक भर चुकी हूँ, मुझसे अभी मजीद बर्दाश्त नहीं होता, चाहे आप भी रखें, समझो आप, अपना मजीद बर्दाश्त नहीं कर। हेलो, चची जान, बच्चे वगैरह सब जी? हाँ चची जान, मुझे एक मुलाजमत मिल गई है एक फर्म में, पार्ट टाइम। जी हाँ, टाइपिस्ट की नौकरी। हाँ बस गुजारा है चची जान जी। हेलो 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 चची जान, चचीदान वो मैं ये कह रहा था कि आप मेरी कुछ मदद नहीं कर सकते, बड़ी मुश्किल में हूँ चचीदान। सुबह ऑफिस, शाम को कॉलेज, पढ़ाई बड़ी मुश्किल से हूँ जी। जी जी, मैं समझता हूँ जी। नहीं नहीं, मैं तो आप अपने किसी, नहीं मैं सिर्फ ये कह रहा था कि आप अपनी फर्म में मुझे पार्ट टाइम, अच्छा आप अपने किसी दोस्त से बात कर लीजिए जी। यह मैं समझता हूँ। अच्छा ठीक है, चची जान को सलाम कहिएगा बच्चों को। यार ये अरे चचा जान, जो मजा अपने बाजुओं पर भरोसा करके कुछ कर गुजरने में है वो भला। शुक्रिया वैसे आपकी ऑफर का, बहुत बहुत जी। नहीं नहीं, शुक्रिया शुक्रिया चचा। सत्य साहब, मैं आपसे माफी चाहती हूँ कि मैं मुझे अपने ऊपर काबू नहीं रखता, आइंदा एहतियात बरतूंगी। ठीक है, माशाल्लाह तो आपका हाथ खूब चलने लगा। चलिए किसी चीज पर तो हाथ चलने लगा। क्या बात है आपका, आपका मूड कुछ ऑफ लगता है मुझे। यूं ही सोच रहा हूँ कि खानों का वक्त ही जाया करता रहता हूँ। सुबह ऑफिस, शाम को कॉलेज, छुट्टी के दिन घर का सला सला फॉर स्टडी। जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है सभी साहब, मुझे ऐश करनी चाहिए।
पता नहीं सरदार साहब, वैसे मेरा ख्याल है कि आप वकील बनने के बाद ना बहुत आराम से रहेंगे। कल की खुशगवार जिंदगी के लिए आज कुछ ना कुछ तो कुर्बानी देनी पड़ती है ना। छोड़िए साहब, आपको क्या ख्याल है जितने वकील सारे सारे ऐश करते जी? नहीं, इंसान मेहनत मजदूरी करके भी आरामदेह जिंदगी बसर कर सकता है, सिर्फ जिंदगी गुजारने का सलीका आना चाहिए। जैसे आदमी के लिए तो उसे जो कुछ मिले वो समेट लेना चाहिए। मैं तो बात पाया तुम क्या 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 ख्याली के लिए बनाता रहता हूँ, क्या क्या सोचता रहता हूँ। मुझे हकीकतों को सामना करना चाहिए, सच्चाइयों को आंखों में आंखें डालकर देखना चाहिए। ये टेबल, ये लिफाफे, ये टाइप राइटर, ये ऑफिस, ये सब हकीकत। मुझे आप देख लीजिएगा, एक दिन मैं ये साबित कर दूंगा अपनी मेहनत से कि मैं इससे बेहतर जगह का अहल हूं। नहीं, रात नहीं रख करके मैं इस पर साबित कर दूंगा कि मुझे इससे अच्छी जगह पर रखा जा सकता है। हो सकता है कि मेरी प्रमोशन हो जाए, क्यों नहीं। इतनी बड़ी फर्म में आए दिन नई नई वैकेंसीज निकलती रहती है ना। ऐसी लोगों की तो हर जगह जरूरत होती है जो काम छोड़ना हो, मेहनत मजदूरी मेहनत से काम करते। देखिए आखिर को मेरी शादी हो चुकी है, मेरे तो बच्चे हैं। आपके बच्चे भी हैं? मैं वक्त है करने का कायल नहीं। देखिए ना सफी साहब, मतलब मैं अपने मुस्तकबिल के बारे में अगर नहीं सोचूंगा तो फिर कब सोचूंगा। मेरे बच्चे बहुत प्यारे हैं, तस्वीरें निकालो उन पर आप खुद की। बहुत अच्छे बच्चे हैं। ये जो लड़का है मेरा, इसका नाम है फायर, लड़की का नाम सकीना। लड़के को हम प्यार से फिक्कू कहते हैं, बहुत तेज है। इसको अगर पूरा नाम देकर पुकारूंगा तो बहुत नाराज होता है, बड़ा लड़का। सफी साहब क्या ख्याल है, वो डायरेक्टर साहब से कुछ एडवांस की बात कर लूं? पैसों की जरूरत है। देखिए ना, आजकल के तो अखराजा के कमर तोड़ डालते हैं, तीन का जो आसमान से बातें कर रही हैं तनख्वाहें। अगर इस फर्म में कोई यूनियन वगैरह हो तो कुछ देखें, शायद मैं ही कुछ इस सिलसिले में करूँ। क्या ख्याल है, आप मान लो पैसे उनसे मान जाएंगे? पता नहीं सब साहब, दरअसल आजकल बास का मूड ना मिनट मिनट के बाद बदलता रहता है। वैसे आज उन्होंने ना सिया चश्मा लगाया भाई, जिस दिन वो सिया चश्मा लगाते हैं ना उस दिन उनका मूड बहुत अच्छा होता है। जाइए और हिम्मत से काम लीजिएगा, और हो सकता है इसमें आपकी कोई बेहतरी की सूरत निकल आए। हेलो अम्मा, मैं सफिया बोल रही हूँ। हाँ मैं ठीक हूँ बिल्कुल। ये बताइए कि वो मशीन वाले वर्कशॉप से मशीन दे गए थे? अच्छा, आपने टांके वगैरह देख लिए थे, सही आ रहे हैं कि नहीं? अच्छा देखिए, आप रसीद तो ऐसे ही दस्तखत मत कर दीजिएगा। हाँ, उन्होंने गारंटी दी है अम्मा, कमाल करती हैं। हाँ, बगैर उसके जब तक आपको इत्मीनान ना हो जाए ना, आप मशीन मत लीजिएगा। बिल्कुल हाँ ठीक है बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि वो मेरे लिए कोई टेलीफोन आया था? नहीं आना तो नहीं था, बस ऐसे ही पूछ लिया था। अच्छा ये बताएं कि मदिहा आई थी, फोन आया था, क्या कहती थी, किया था उसने फोन, क्या कह रही थी? नहीं भाई, नहीं ना, देखो मैं सनीचर को नहीं आ सकती, इतवार को। अच्छा तुम ऐसा करना, तुम मुझे टेलीफोन कर लेना, ठीक है? मगर मैं वादा नहीं करती हूँ, ठीक है? अच्छा खुदा हाफिज़। लगता है आपका काम बन गया। जी मुबारक हो, बहुत बहुत शुक्रिया।
उसे मेरी प्रमोशन की बात कर रहे थे। पहले मेरा नाम उनके जहन में पहले ही से था। एक आध हिच है उसके बारे में दो एक रोज में सोच कर जवाब देंगे। चलिए ये तो बहुत अरे बस कुछ देर है, कुछ देर है। एक बार मैं चल निकलूं फिर तुम देखना मैं कहाँ बच जाता। मैंने उनको बताया ना कि मुझे कानूनी मामलात की भी सूझबूझ है। बहुत मुतासर हुए, आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे मुझे। आज तुमने साबित कर दिया सफदर कि तुम वाकई बहुत एंबिशियस हो। सारी मेरे से डरी थी कि खतरा है अच्छा। मेरे सामने पूरी दुनिया पड़ी हुई है, आंसुओं की तमन्नाओं की दुनिया। इस घर की आगे इस ऑफिस के बाहर मैं अपनी सारी तमन्नाएं समेट लेना चाहता हूँ, अपने सारे ख्वाब देखना चाहता हूँ। हम देख लेना एक न एक दिन जिंदगी ख्वाबों और आरज़ुओं और तमन्नाओं से भरी पड़ी है। समंदर की सैर, समंदर के किनारे भेल घोड़े, मंचर झील पर मछली का शिकार, खूबसूरत कपड़े, खूबसूरत तारीखी मकामात के टूर, नई नई दोस्तियां, पहाड़ों पर छुट्टियां हर साल। सफदर जिंदगी कितनी हसीन है ना। मेरा दिल चाहता है कि मैं गाऊं नाचूं जोर जोर से हंसूं, हंसती रहूं हंसती रहूं। मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं आज सुबह बगैर नाश्ता किए ही जल्दी में घर से निकल आया था। मैंने भी पता है सुबह सिर्फ एक चाय की प्याली पी थी। तुम खाने में लाई क्या? मैं न लाई हूँ पराठा और अंडे का आमलेट। तुम क्या लाए हो? मैं भी पराठा और थोड़ी सी सब्जी है, शायद शामी कबाब है। अच्छा तो फिर दो बजे? दो बजे। अच्छा अब तो बिल्कुल ही भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। अरे रे तुम ये क्या कर रही हो? तुमने वादा किया मुझे भूख लग रही है, मेरा खाना खाने को दिल चाह। क्या हो गया तुम? ठूस हो समा तेज ही होती हो, बेसब्री कमाकी बेवकूफ तो अच्छा छू। मैं दो बजे से पहले खाना नहीं खाऊंगा। साहब क्या हो गया? मैंने आपसे सिर्फ इतना कहा था कि मेरा दिल चाह रहा है खाना खाने को। बात करने से पहले सोच लिया कीजिए आप क्या कह रहे हैं, और कभी कभी दूसरे की भी बात सुन लेनी चाहिए। और जहां तक सब्र का ताल्लुक है ना, तो मैं आपसे कहीं ज्यादा साबिर हूं। कितने लोग हैं जो मेरी तरह भूखे रहकर काम कर सकते हैं। वाकई? जी हाँ वाकई। अभी देख लेते हाथ कंगन को आरसी क्या सुपरवाइजर साहिबा? एक तो आपको मेरे सुपरवाइजर होने का हसद मारी डाल रहा है। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि आप सुपरवाइजर हैं, बार बार जताने की कोई जरूरत नहीं है। सफदर साहब दरअसल मैं इस डिपार्टमेंट की सुपरवाइजर बनना नहीं चाहती थी, मुझे किसी पर सख्ती नहीं होती। सफदर साहब अगर आपकी ये तौर तरीके रहे ना, तो अब आप मजीद ज्यादा इस कंपनी में काम नहीं कर सकते। हाँ हाँ जाइए जाइए, जाकर अपने डायरेक्टर साहब से शिकायत लगा दीजिए मेरी। चाहिए आप मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर। आप जैसे आदमी को जिसे कानूनी तजुर्बात भी है और सब कुछ है और जिसके इतने बड़े बड़े मंसूबे हैं, उसको मेरा एहसान लेने की भला क्या जरूरत हो सकती है? साहब मैं
आपसे नफरत सत्तर साहब आपके बारे में जो मेरे जज्बात की शिद्दत है ना मैं उसको लफ्ज नहीं दे सकती आप बहुत घिनौने आदमी हैं फिर आप ही मुलाजमत छोड़ क्यों नहीं लेते आप क्यों नहीं छोड़ देते आपका ये अहमान आपके लिए नहीं है समझ में नहीं आता कि मैं यहाँ मैं भी अक्सर यही सोचती हूँ पता नहीं ये शख्स चाहता क्या है अपनी मानो क्या चाहता हूँ जानना चाहता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अपने बाजू में समेट कर तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दूँ और अपने हाथ से तुम्हारे जिस्म की एक एक बोटी नोच सफदर जब से मैं यहाँ आया हूँ मेरे सेन को एक लम्हे के लिए सुकून नहीं है हर वक्त मैं यही सोचता रहता हूँ अब तुम्हें पता चला मैं क्या चाहता हूँ समझ गई तुम क्या चाहता हूँ मैं सबसे पहले मैंने पता नहीं चुपके चुपके कितनी बार ये सोचा है कि ये शख्स कितना अनरोमांटिक है कभी कुछ कहता ही नहीं टाइपराइटर के सामने बैठकर मैं तुम्हारी आवाज सुनने की मुंतजर रही कि शायद सफदर अब कुछ कहेंगे मुझे अपनी मम्मी से बात कर लेनी चाहिए तुम भी अपनी बीवी से बात कर लो मैं तुम्हारे बच्चों को अपने बच्चों की तरह समझूंगी बच्चे हम शादी कर लेंगे हम शादी कर लेंगे ना मुझे भूख लग रही है सफदर मुझे माफ कर देना गलती मेरी है गलती किसी की नहीं सफदर बस मैं नीचे होटल तक जा रहा हूँ चाय लाने के लिए तुम्हें कुछ चाहिए मुझे भूख नहीं है वाकई भूख नहीं सर्दी कल की नस्बत कुछ कम है सूरज में तनाजब भी ज्यादा है चाय निकालूं चाय हाँ निकालूं Thank you.
मैं अगले चौराहे को खोला गया था सिगरेट लेने के लिए, यहाँ नीचे मिल नहीं रहे थे, बड़ी भीड़ थी भी, और लंच खत्म हुए काफी देर हो गई, लेकिन लोग फिर भी पानों की दुकानों पर खड़े हैं, पान खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं, बड़ा वक्त है लोगों के पास, इतना वक्त आता कहाँ से उनके पास, दफ्तर से। तो दफ्तर में जो हम और तुम भी काम करते हैं। हम लोग काम करते हैं सफदर, वो लोग आराम करते हैं। मैं सोचता हूँ सफिया के हुआ क्या, किसके साथ? मेरे साथ, मैं तो बड़ा बाबा जिंदगी गुजारने का कायल था, न बीवी न बच्चे, कोई जिम्मेदारी नहीं, जब जी चाहे सो, जब जी चाहे उठो। मैं सोचता हूँ कि शायद मैं यही चाहता था, फिर सोचता हूँ कि क्या चाहता था। सफदर, कितने लोग हैं जो सचमुच जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं? तुम जानती हो कि तुम क्या चाहती हो? मैं समझती थी कि मुझे पता है कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं सोचती थी कि मैं मौका मिलते ही सब कुछ छोड़ छाड़ के चली जाऊंगी, किसी से कोई सरोकार नहीं रखूंगी, लेकिन मैं अभी तक वहीं पर हूं जहां पर मैं थी। हमें संजीदगी से अपनी जिंदगी का जायजा लेना चाहिए। क्या फायदा? फायदा? अच्छा तुम ये बताओ कि तुम सचमुच ये समझती थी कि तुम सबसे अलग थलग रहकर अपनी जिंदगी को खुशगवार तरीके पर बसर कर सकती हो, तो फिर तुमने अपने इस ख्याल को अमली जामा क्यों नहीं पहना है? तुम जरूर अपने आप से कुछ छुपाती रही हो। तुम भी तो अपने आप से झूठ बोलते रहे, अगर तुम यही चाहते थे कि तुम अपनी नासूदा ख्वाहिशों पर कभी अफसोस मलते मलते जिंदगी गुजार दो, उसमें कौन से हाथी घोड़े करते, बस एक कोने में बैठ रहो, अगर तुम ये नहीं चाहते। अच्छा, फिर मैं क्या चाहता? तुम ये चाहते हो कि लोग तुम पे तरस खाएं, एक नन्हे बच्चे की तरह तुम्हारी नाज बरदारी करें, दरअसल तुम्हें प्यार और मोहब्बत की तलाश है, वो प्यार और मोहब्बत जो तुम्हें तुम्हारे वालदैन से नहीं मिला। चलो ठीक है, कम अज कम मैंने ये जिम्मेदारी तुमने निभा ली ना, शादी बीवी बच्चे घर। शादी करनी है, बच्चे पैदा करने में कौन से पहाड़ काटने पड़ते हैं? नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनकी शादी अगर हो जाती तो वो शायद ज्यादा खुशगवार जिंदगी बसर कर सकते। आपका इशारा मेरी तरफ तो नहीं? मैंने आपका नाम तो नहीं लिया, अब ऐसे अगर आप चाहें तो ये समझ सकती हैं। वैसे भी मैं अगर मैं शादी कर लेती जो मैं कतई नहीं चाहती थी, तो मैं आप जैसी नाखुशगवार जिंदगी पर अकेले रहने को तरजीह देती। नाखुशगवार जिंदगी मेरी? किसने कह दिया आपसे? मैंने तो नहीं कहा। मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ, सब समझती हूँ, और ये बात आप भी जानते हो चाहे आप माने या ना माने, कि अगर आपका बस चलता तो आप कब का उस गरीब को चलता कर देते। सचमुच? सचमुच। सफिया साहिबा, आपकी इतला के लिए अर्ज है कि मेरी बीवी नहायत सुलझी हुई तबीयत की नफीस तबा खातून है। प्लीज सफदर साहब, आप अब बैठ जाए और अपना काम कर। और आपकी इतला के लिए मजीद अर्ज है कि मैं अपनी बीवी पर आप जैसी सैकड़ों लड़कियों औरतों को कुर्बान कर सकता हूँ। चलिए कुछ देर के लिए तो आपसे जाइए जाइए, आगे आपके डायरेक्टर साहब को बुलावा, जाइए। तो आप क्यों जले मरे जाते हैं? जलता है मेरा जूता। लोकी, क्या आपने कुछ कहा? देखिए मैं
सत्तर बोल रहा हूँ, माफी चाहता हूँ सहमत देने के लिए। जरा पड़ोस में से फायर की अम्मी को बुला दीजिए। अच्छा तो फिर जरा मेरी उनसे बात करवा दीजिए जी। हेलो हेलो ना भाई, मैं सफदर बोल रहा हूँ भाई। वो दरअसल मैंने इसलिए तुम्हें फोन किया है कि रात मेरा मूड कुछ ऑफ था, उसकी वजह से मैंने तुरश लहजे में तुमसे बात कर ली थी। सुबह बात करने का मौका नहीं मिला दफ्तर में। हाँ मैं माफी चाहता हूँ। नहीं 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 भाई, तुम नहीं समझती, तुमको पता ही नहीं है कि मैं तुम्हारी कितनी इज्जत करता हूँ, कितना कितना प्यार करता हूँ तुमसे। ऐसे कह दो तो माफ कर दिए। खुदा खुदा हाफिज। हाँ बिल्कुल, मैं दफ्तर के बाद फौरन इन्फॉर्म कराऊंगा। बिल्कुल सीधा खुदा हाफिज। डायरेक्टर साहब को बता दीजिए कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं उनका सेक्रेटरी नहीं लगा हूँ। ये बात आप खुद कह दें उनसे जाकर। हाँ इसमें भी क्या हर्ज है, आज जरा साफ साफ बात हो ही जाए। उसकी छक छक से मैं जाती हूँ। आप क्या कर रहे हैं? आप पहले तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। पहले से आप मुझे जानती हैं, आप जानती हैं मैं कैसा था। आपको क्या मालूम है मैं कैसा था? मैं सफिया अजीम, हम में से कोई किसी को नहीं जानता। हम सब इस दुनिया में अकेले हैं, अकेले इस जालिम जहां में अकेले हैं, समझिए आप। हाँ ये तो आप ठीक कहते हैं। मैं तो जाने कब से इस शहर से चला जाना चाहता हूँ। शहर में मेरा दम घुटता है। शहर में बसों के धुओं, कारों के हॉर्नों, हड्डियों का अर्क निचोड़ते हुए इंसानों और रिश्वतखोरों के पंजों में सिसकते हुए लोगों के ख्वाबों की बू बसी हुई है। मेरा दम घुटता है यहाँ। तो जाने कब से ही सोचता हूँ कि मैं किसी ऐसी जगह चला जाऊं जहां बुलंद पहाड़ हो, सरसब्ज वादियां हो, साफ शफाफ पानी के चश्मे हो, नीला आसमान हो, यहां से वहां तक फैला हुआ। मैंने भी बचपन से ऐसी जगह के ख्वाब देखे हैं, सबसे अलग थलग, तमाम परेशानियों से दूर। सच कह रही हूं साफिया? हाँ सफदर, हम दोनों के ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं। हाँ वाकई इस तरह तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैं तुम्हारे बालों को छू लूं, देर तो नहीं हो गई? नहीं सफदर, सफदर मैं अपनी अम्मी से बात करती हूँ। तुम भी अपने गुरु से बात कर लो, इसलिए कि मैं नहीं चाहती कि किसी के
किसी की दिलाजारी हो। हमें हमें हर एक के जज्बात का ख्याल रखना चाहिए, है ना? मैं अपनी बीवी से बात। हाँ, इसलिए कि हम शादी करने जा रहे हैं ना। नहीं नहीं, सबको तुम समझती नहीं हो। हम सबको गलती मेरी है। नहीं नहीं सफो, नहीं, गलती मेरी है। मैंने मुझमें कभी कोई काम करने की जरूरत नहीं थी। मैंने अपनी सारी जिंदगी अपनी काहली और अपनी खुदगर्जी ही नजर कर दी। मैंने कभी कोई ढंग का काम नहीं किया। जिंदगी भर सिवाय अपने मुकद्दर को रोने की और कुछ नहीं किया। सफदर, सफदर, क्या हो गया है आपको? क्या हुआ? मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है। मेरी जिंदगी तो जैसी गुजरनी थी गुजर गई। मेरी बीवी बाहर में जाए, ये जमाना मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन मैं अपने बच्चों का क्या करूं? उनके बगैर तो मैं एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकता। अब तो नौकरी भी चली गई। तुम हिम्मत से काम लो, हिम्मत से काम लो सफदर। तुम जाके डायरेक्टर साहब से क्यों नहीं बात करते? अब बात करने को क्या रह गया है? मैं सब कुछ होने के बाद अभी कुछ रह गया है क्या? नहीं, तुम जाओ तो सही। तुम उनसे माफी मांग लेना, पैर पकड़ लेना, कुछ भी कर लेना, मगर एक बात याद रखना कि तुमसे अच्छा टाइपिस्ट उनको नहीं मिल सकता। जाओ जाओ मैं। जाओ। लेकिन कहीं मुझे वो अपने कमरे में से निकलवा तो नहीं देंगे? गुस्से में जाने में क्या क्या बक गया था। बस तुम अपने होश और हवास काबू में रखना अच्छा, और उनको किसी बात का जवाब मत देना, ठीक है? जाओ। ठहरो, yeah.
लगता है उन्होंने माफ कर दिया। माफ कर दिया। चलो मुबारक। या मुझे तुम्हें पता है एक जमाने में मैंने गाना गाना सीखना शुरू किया था। अच्छा क्या या मुझे सरे सुन लेंगे तो फिर नाराज होंगे। अच्छा आज मिनट बाकी है सफिया। हम आमतौर पे दो मिनट पहले उठते हैं। वो तो मुझे मालूम है। मैं फिर सोच रहा था आज जल्दी। नहीं कुछ अच्छा नहीं लगता। अच्छा चलो ठीक है। नहीं अभी एक मिनट बाकी है। अच्छा हो गया। चलो चलो बहुत थक गई हूँ आज। तो मैं भी बहुत थक गया हूँ। Underwear, pure cotton underwear and vest. Underwear or baniyan. ये जो हमारे नए डायरेक्टर आए हैं इनका क्या नाम है भला? चौहान या नाम मुझे याद नहीं रहते अभी। हाँ मेरे भी जहन को पता नहीं कुछ हो गया है। चलो फिर मैं तुम्हें तुम्हारे बस स्टॉप तक छोड़ दूँ। नहीं मैं खुद ही चली जाऊंगी। हरज ये क्या है तुम्हारे बस स्टॉप से जरा आगे ही तो मेरा मिनी का बस स्टॉप है। अच्छा चलो जैसी तुम्हारी मर्जी थी। हाँ
Oh.